हाय एवरीवन, आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ विंटर स्किन केयर टिप्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। हम ज़्यादातर विंटर में गर्म पानी से फेस धोते हैं, लेकिन गर्म पानी हमारे स्किन के लिए खराब होता है। यह हमारे स्किन के नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप अप करता है और हमारे स्किन को ड्राई कर देता है। इसीलिए आप नॉर्मल वाटर से ही अपना फेस धोइए। विंटर में आप एक जेंटल फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए। फेस वॉश करने के बाद आपके फेस टाइट और ड्राई नहीं फील होना चाहिए, सो आप अच्छे से चूज करके एक हाइड्रेटिंग एंड जेंटल सा फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने स्किन केयर रूटीन में हाइड्रेटिंग सीरम्स जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम, नियासिनामाइड सीरम, उस सब का इस्तेमाल कीजिए, जो कि आपके स्किन को विंटर की ड्राइनेस से बचाएगा और आपके स्किन को हाइड्रेट भी करके रखेगा। विंटर में हमारी स्किन बहुत ही ड्राई हो जाता है, इसीलिए आप एक क्रीमी मॉइस्चराइजर को स्विच कीजिए जिसका की कंसिस्टेंसी भी थिक हो। ये आपके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखेगा। बहुत सारे लोग विंटर्स में सनस्क्रीन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन आप ये गलती मत कीजिए और विंटर्स में भी हर दिन सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। और विंटर्स में आप ऐसी सनस्क्रीन चूज करना जिसमें कि हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स हो, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड हो गया, नियासिनामाइड हो गया। वैसे करने से वो आपके स्किन को हाइड्रेट करके रखने में हेल्प करेगा। विंटर्स में स्किन सेल जल्द ही डिहाइड्रेट और ड्राई हो जाते हैं, सो उस वाली डेड सेल्स को निकालने के लिए स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप वीकली बेसिस पे अपने फेस को एक्सफोलिएट कीजिए। लास्टली, आप अंदर से भी हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए ड्रिंक योर वाटर। और ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।